हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉनस्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे दो क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करणम शेखर को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं करणम शेखर। और इससे पहले करणम शेखर देना बैंक के एमडी और सीईओ थे, लेकिन 1 अप्रैल को देना बैंक और विजया बैंक, इन दोनों बैंकों का विलय हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। तो देना बैंक अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो करणम शेखर अब ये इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। और यहाँ पर बात हुई है इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसके चेयरमैन हैं TSA रंगनाथन, और इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं करणम शेखर। और अगर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ। अगला प्रश्न, किस अफ्रीकी देश में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मलावी में। तो अभी हाल ही में मलावी में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन लॉन्च की गई है, और इस वैक्सीन को 5 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को लगाया जाएगा। और इस वैक्सीन का नाम है RTSS, इस वैक्सीन का नाम है। और इस वैक्सीन को बनाने में करीब 30 साल का समय लगा है। मलेरिया से सबसे ज़्यादा मौतें अफ्रीकी महाद्वीप में ही होती हैं, तो अभी इसको अफ्रीकी देश मलावी में लॉन्च किया गया है, और इसके बाद इसको बाकी अफ्रीकी देश जैसे कि घाना, केन्या, और उसके बाद और भी देशों में लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है मलेरिया की, तो मलेरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, तो मलेरिया ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, और इस परजीवी को लेकर उड़ती है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो जब मादा एनोफिलीज मच्छर आपको काटती है, तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट आपके खून में चला जाता है और रेड ब्लड सेल्स को नष्ट करने लगता है। तो मलेरिया सिर्फ मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है, बाकी जो नर एनोफिलीज मच्छर होता है वो फल और फूल के रस पर ही जीवित रहता है। तो दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन ये मलावी में लॉन्च की गई है, तो मलावी की राजधानी है लिलोंगवे, लिलोंगवे मलावी की राजधानी है, और मलावी की करेंसी है क्वाचा, क्वाचा यहाँ की करेंसी है। और मलावी के राष्ट्रपति हैं पीटर मुथारिका, पीटर मुथारिका। अगला प्रश्न, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत रहा 4th स्थान पर। भारत ने इसमें कुल 17 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं, 7 सिल्वर मेडल हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो भारत ने इसमें टोटल 17 पदक जीता है, और भारत रहा है इसमें 4th स्थान पर। और अगर बात की जाए इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, तो इसमें पहले स्थान पर रहा बहरीन, बहरीन ने कुल 22 पदक जीते और बहरीन रहा पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर रहा चीन और तीसरे स्थान पर रहा जापान। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन कतर की राजधानी दोहा में किया गया था, और याद रखिए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन भी कतर में किया जाएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखिए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में किया जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है, दुनिया भर में मलेरिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और इस रोग के उपचार और रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। और अगर बात की जाए इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है, तो इस बार की थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, ये इस बार के विश्व मलेरिया दिवस की थीम है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन आ गया है, तो अभी तक अप्रैल में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं उनका मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तो 2 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे,
और इसकी थीम थी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज एक्टिव पार्टिसिपेशन। 4 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल माइंड्स अवेयरनेस डे। थीम थी यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेफ ग्राउंड सेफ होम। 7 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। 10 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 12 अप्रैल को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। 17 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे और इसकी थीम थी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहुंच और पहचान। और 18 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस और इसकी थीम थी रूरल लैंडस्केप्स। और 19 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड लिवर डे। 22 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड अर्थ डे और वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी प्रोटेक्ट अवर स्पेसीज। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। और अगर हम बात करें 22 मार्च यानी कि एक महीने पीछे जाएं तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। तो ये दोनों आप एक साथ याद रखिए, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। और 23 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड बुक डे, थीम थी शेयर अ स्टोरी। और 24 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और अभी 25 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड मलेरिया डे और थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। अगला प्रश्न, किस देश ने भारत से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए समन्वय परिषद की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ने भारत से विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए समन्वय परिषद की स्थापना की है। और यहाँ पर बात हुई है कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, कजाकिस्तान की करेंसी है तेंगे यहाँ की करेंसी है, और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट तोकायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अस्कर मामिन कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विकास खन्ना। ये एक प्रसिद्ध भारतीय शेफ और फिल्म मेकर हैं, तो इन्हें इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और आपको बता दूं कि इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल ये 7 से 12 मई तक न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन करेगा जिसमें भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे कि द लास्ट कलर और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है फोटोग्राफ, और भी कई सारी फिल्मों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न, 52वें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार किसने संभाला? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है राजेंद्र कुमार नायक ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं ये हैं राजेंद्र कुमार नायक। तो राजेंद्र कुमार नायक ने 52वें कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार संभाला है। अगला प्रश्न, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट अगुंग कहाँ पर स्थित है? तो माउंट अगुंग ये स्थित है इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया के बाली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये न्यूज़ में इसलिए आ गया है क्योंकि अभी हाल ही में इसमें 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्फोट हुआ है। तो ये न्यूज़ में आ गया है इसलिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए माउंट अगुंग जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में स्थित है। और बात है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, करेंसी है रुपया, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर था 23 अप्रैल को। और दूसरा प्रश्न था 2019 के कैंसर तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 19वीं रैंक, और इसमें पहली रैंक पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी रैंक पर है नीदरलैंड, और तीसरी रैंक पर है जर्मनी, और सबसे लास्ट रैंक पर है यानी कि 28वीं रैंक पर है सऊदी अरब। और लगभग सभी लोगों ने
इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, किस देश ने पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण किया है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।